और चलिए चर्चा की शुरुआत एसएन सिंह साहब, यहाँ पर कल बहुत ही इंटरेस्टिंग, ठीक है, कलहा, अंदरूनी कलहा, गुटबाजी, वो तमाम तो चल ही रही है, लेकिन अखिलेश यादव ने कल एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बयान दिया। आप उनके एमवाई समीकरण की बात करते थे ना, वो कह रहे हैं कि आपके एमवाई को, सीधा सीधा उन्होंने कहा, आपके एमवाई को हराने के लिए ये पीडीए उन्होंने किया, और एमवाई का सीधा डिनोट मोदी और योगी। पूजा जी, समय देंगे तो समीक्षा तो हम भी करते हैं, बड़े अच्छे समीक्षा आपको करेंगे और 2 से 3 मिनट में ही समीक्षा करेंगे। बहुत अच्छा लगेगा, आपके दर्शकों को भी अच्छा लगेगा और सबको भी अच्छा लगेगा। देखिए, जहाँ फलदार वृक्ष होता है निश्चित तौर पे वहां लोग रुकते हैं, और कोई डंडा चलाता है, कोई पत्थर चलाता है। ये तो है कि भारतीय जनता पार्टी के केंद्र में भी सरकार है, और लाख कोशिश के बाद भी भारतीय जनता पार्टी की ही उत्तर प्रदेश में सरकार है। 33 साल का उत्तर प्रदेश का इतिहास बदलते भी लोगों ने देखा है, सरकारें बदल जाती थी। बहुत षड्यंत्र किया गया, बहुत झूठ बोला गया, बहुत धोखा दिया गया, फरेब किया गया, लेकिन हालात आज क्या है कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री चुनाव में कह रही थी कि कांग्रेस को वोट देबो ना, और दिल्ली में कहते थे लोग हम एक साथ हैं। आज पंजाब में अलग लड़े और दिल्ली में कहते हैं हम एक साथ हैं। विधानसभा के चुनाव अलग अलग लड़ रहे हैं, मुझे लग रहा है कहाँ है वो गठबंधन। पूजा जी, कहीं दिख नहीं रहा है। भारतीय जनता पार्टी में कोई दिक्कत नहीं है, दिक्कत जानते हैं किसमें है। मैं समीक्षा सब कुछ सुनता हूँ, समीक्षा देखता हूँ, लेकिन जब समीक्षा तरफा हो जाती है ना, राजस्थान में बहुत समीक्षा लोगों ने किया लेकिन हमने समीक्षा देखा नहीं, जहां डिप्टी सीएम और सीएम में मल्ल युद्ध चलता था, लेकिन कोई ऐसी समीक्षा किया नहीं, क्योंकि पार्टियों तो की वो अपने युद्ध तो यूपी अंदरूनी में भी बातों चल की रहा है, अपनी पकड़। सीएम डिप्टी अब सीएम पूजा जी में, मुझे क्या लेंगे, अब तो पूजा जग जी बैठ जाहिर है, सकते। अब तो जग जाहिर है एसएन सिंह। पूजा जी, मैं बोलूं, आपने एमवाई समीकरण का कहा, आप उस पे भी आ जाइए। देखिए, स्वार्थ और परमार्थ में यही अंतर है। स्वार्थ ये होता है ना कि हमारा वाला गला भी काट दे तो भी ठीक है, हमारा वाला लव जिहाद कर दे, लैंड जिहाद कर दे तो भी ठीक है, हमारा धर्मांतरण कर दे तो भी ठीक है, हमारा जो सिमी का समर्थन कर दे, पीएफआई पे बयान दे दे तो भी ठीक है। तो ऐसा एमवाई समीकरण, और एक एमवाई समीकरण जो योगी और मोदी का है ना, वो कहा जाता है पूजा जी कि वृक्ष कबहु नहीं फल बके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धराशरी। ये एमवाई समीकरण बहुत दूसरे टाइप का है। 63% योजनाओं का भागीदार वो एमवाई समीकरण बना है, जो बेशक वोट न दे तो भारतीय जनता पार्टी भागीदार बनाती है, साथ लेकर चलती है, लेकिन ये जो लव जिहाद, लैंड जिहाद, धर्मांतरण, फर्जी बातें, झूठे वादे, इस तरह की चीजें देश के लिए नहीं अच्छी हैं। समीक्षा ये भी कहती है कि ये देश रहेगा तभी पार्टियां रहेंगी, लेकिन कुछ लोग चाहे फर्जी, आप कल देखी होंगी बरेली में कई हजार सर्टिफिकेट फर्जी बन जाते हैं, समाजवादी पार्टी के लोगों का नाम आता है उसमें, चार चार ऐसे विशेष धर्म का नाम आता है, तो मुझे लगता है कि पूजा जी कोई बोलेगा नहीं। हाँ, ये जरूर है ठीक कि है। स्वार्थ, पूजा जी स्वार्थ के सब तगे बिन स्वार्थ नहीं कोई, पाले सुग्गा सारिका काग न पाले कोई। अच्छी बात है, भारत के लोग आज मोदी योगी को इस नाते पसंद कर रहे हैं कि वो सबके लिए कार्य कर रहे हैं, जो योजनाएं हैं उसमें 63% भागीदार वो भी बन रहे हैं जो नहीं वोट दे रहे हैं, ये अच्छी बात है। ये एम और वाई है, ये परमार्थ का एम वाई है और वो स्वार्थ का एम वाई ठीक है, तो है। लेकिन अब आगे लेकिन यूपी की जनता की जो पसंद है वो वोटों में तब्दील नहीं हो पा रही ना, लोकसभा चुनाव के जो नतीजे हैं उसका सबसे बड़ा प्रमाण है। आपने कहा कि ममता दीदी वहां पर वोट मांग रही है, यहाँ इंडिया गठबंधन से अलग है। भाई चलो, वो तो राजनीतिक दल ही अलग है, पार्टियां ही अलग अलग है ना। आपकी तो पार्टी में ही गुटबाजियां दिख रही है, आपके सहयोगी दल तो सीएम दिख योगी रहा है की बुलाई गई मीटिंग में नहीं दुनिया। जाते हैं, डिप्टी पूजा जी सीएम देखिए, पूजा सीधा संगठन जी सरकार के सुनेंगे समन्वय तभी को तो लेकर सवाल बताऊंगा, उठाते पूजा हैं। जी सुनेंगे तभी तो बताऊंगा। पूजा जी सुनिए तो मैं बताता हूँ। देखिए, सभी राजनीतिक पार्टियों का अपना होता है कि वो किस तरह से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है, लेकिन जब कोई राजनीतिक पार्टी जिसके साथ लड़ती है वो पूर्णतः उसके साथ मिलकर लड़ती है, बाद में छोड़ देती है, लेकिन ये पहला चुनाव ऐसा देखा गया जहां राजनीतिक पार्टियां एक साथ होके भी एक साथ नहीं थी। नहीं तो मैं कह रहा हूं जो समाजवादी पार्टी है वो बहुजन में थोड़ी ना मिल जाएगी, और बहुजन समाजवादी पार्टी में नहीं मिल जाएगी, कांग्रेस सपा में नहीं मिल पाएगी, लेकिन जिस समय आप लड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक होकर लड़ रही है, उस समय तो विचारधारा एक होनी चाहिए। लेकिन नहीं, आपकी उस तो समय पार्टी भी एक है पश्चिम ना, बंगाल में गाली आपकी देंगे और पार्टी के या नहीं तमाम होगी कार्यकर्ता, तभी। मंत्री, विधायक, सांसद सब एकजुट है ना, तो वो अब वो जो अंतर्कलह है वो अब क्यों जग जाहिर हो रही है, आप ये बताइए। कल पल्लवी पटेल से मुलाकात करते हैं सीएम योगी, जिस पल्लवी पटेल ने आप ही के डिप्टी सीएम को पिछले विधानसभा चुनाव में हराया 2022 में। पूजा जी देखिए, मुख्यमंत्री से तो रामगोपाल जी भी गए थे, रामेश्वर यादव भी गए थे,
योगेंद्र यादव भी मिलने गए थे, बहुत सारे लोग मिलने जाते हैं। लेकिन मैं एक बात कहूंगा, समाजवादी पार्टी की अगर आप चर्चा करेंगे ना, तो आज भी अगर शिवपाल जी से और अखिलेश जी से चर्चा करने लगेंगी तो होगा कि क्यों शिवपाल जी, जिनका राजनीतिक कद अच्छा है, जिनकी राजनीतिक समझ है, उनको नीचे क्यों ढकेला गया, क्यों पिताजी के साथ माइक छीनने का कांड किया गया, क्यों जो है समाजवादी पार्टी में फूट पड़ी और शिवपाल जी को अलग पार्टी बनाना पड़ा। तो बहुत सारे कारणों को समाजवादी आप पार्टी की फूट पर उनसे देखेंगे। सवाल कर लूंगी मैं, आप अपना बताइए ना, जो आपकी ये जो फूट सामने आ रही है। देखिए, विवाद सीएम और डिप्टी सीएम के बीच बहुत पुराना है, केपी मौर्य के बीच और सीएम योगी के बीच, लेकिन जो अब जिस तरह से खुलकर सामने आ रहा है ना सवाल, वो है। पूजा जी, हो सकता है कि किसी को दिखता हो गिलास भरी कितनी है, किसी को दिखता है गिलास खाली कितनी हो, जो जनता जिसको जिस लायक बना रखी है दिखता ना कहाँ है? पूजा जी, अरे उसको भाई, तरह का दिखाया दिखता जा है। रहा है, तो वो जनता हमको एक लायक दिखाया बना जा रहा है रखी तो है, दिखेगा जनता भी काम ना। भर्ती कर रहे हैं, पुलिस भर्ती सीएम कर रहे हैं, योगी हम बैठक काफी बुलाते हैं, विकास प्रयागराज करने मंडल जा की रहे बैठक हैं, होते लगातार हैं, तो विकास करने जा रहे हैं। यहाँ पर केशव लेकिन प्रसाद मौर्य पहुंचते नहीं है। पूजा जी डुप्लीकेट माल बेचने वाले माल बेचते हैं, बाजार में भी माल बिक रहा है, राजनीति में भी बिक रहा है। पूजा जी आपको चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, ये राजनीतिक पार्टियां कहाँ है भाई? कर्नाटक में 11,000 किसान आत्महत्या कर ले रहे हैं, कोई नहीं जा रहा है, जाना चाहिए ना। 700 की लिस्ट कहाँ है? मनोज जी को दिखाना चाहिए ना, है ही अब नहीं आप ये है। सवाल पूछेंगे तो विपक्ष लेकिन पूछेगा कि एक मणिपुर, फिर धर्म मणिपुर आप किसान, क्यों इग्नोर कर एक देते जगह हैं, फिर वो किसान, मणिपुर पे एक आ जगह जाएगी बात। मुखिया, मनोज एक यादव, टैक्स में तला, ये जानती है किस लिए चल रहा है पूजा ठीक जी? है, हिंदुओं को जातियों में बांट दीजिए, एक धर्म को एक कर लीजिए, सिखों को अलग अलग धर्म में, खालिस्तान और सिखों में बांट दीजिए, हिंदुओं को जाति में बांट दीजिए, किसी को अयोध्या के नाम पे बांट दीजिए। पूजा जी यही चल रहा है कि बंटवार, ये जानते हैं कहाँ से सीख के आए लोग? ये सब विदेश से सीख कर आए हैं, ये शायद हो सकता है जॉब सिरोसस वाला पैसा बोल रहा है, पैसे के नाते ये ठीक सब हो है रहा है क्या पूजा ठीक जी? है।